यार मेरा हाथ कट गया है कुल्हाड़ी से, पता नहीं कैसे कट गया। मैं बैठ रहा था नीचे, अचानक कुल्हाड़ी हाथ के नीचे आई और देखिए कितना सारा खून अभी बह रहा है। दादा हमारी YouTube फैमिली पूरे 2000 सदस्य की हो गई है, यानी कि 2K हो गए हैं पूरे सब्सक्राइबर, तो जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दगड़ियों, सुप्रभात। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में और देवी मुद्रागण खूबसूरत समय के पहाड़ में। तो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र नेगी और मेरे गांव का नाम है मनालोखरा, जो कि आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। और अलमोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सियाली ब्लॉक में से एक खूबसूरत सा गाँव है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गया है एकदम मस्त वाले चमचमाती हुई धूप के साथ। और अभी सुबह के हो रहे हैं 8:30, तो सुबह का अभी सीन हो रखा है एकदम मस्त वाला। बहुत ही प्यारी वाली धूप देवी मुद्राखंड के पहाड़ों में लगी हुई है, एकदम मस्त वाला सीन हो रखा है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, ये लौकी की बेल और यह है सेम की बेल, पूरी ऊपर को जाती हुई, ऊपर से नीचे भी आती हुई। और आजकल बहुत ही सारे फूल लगे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए गुलाब के एकदम नए वाले कुंपले आ रहे हैं गुलाब के पौधे पर। और एक ये नया प्रकार का फूल है, तो इस पर कुछ ऐसे फूल आ रखे हैं, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे सफ़ेद। और इसी के साथ साथ ये वाला गुलाब भी यहाँ पर, और सूरजमुखी तो आपने देख ही रखा होगा, तो सूरजमुखी भी कुछ बड़े बड़े फूल इसके भी हो गए हैं आजकल। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर। तो अभी मेरी और शेर की तैयारी हो गई है गौशाला जाने की। तो अभी सबसे पहले बैल और भैंसों को अंदर बांध देते हैं, क्योंकि धूप बहुत कड़क वाली लग चुकी है। तो अब अगला काम है भेड़ की ऊन को काटना। तो 2 की ऊन तो मैंने काट दी थी, तो अभी 4 और बचे हैं। तो अभी मैं लगा यहाँ पर अपना सबसे छोटा वाला खाड़ू, तो इसके फर्स्ट बार बाल काटेंगे। और दोस्तों, जिनके फर्स्ट बार बाल काटते हैं उनके सर में चुई छोड़ते हैं, यानी कि जो इधर छोड़ेंगे मैं कुछ बाल यहाँ पर छोड़ेंगे, तो अभी आपको देखने को मिलेगा। फाइनली इसके बाल मैंने पूरे काट दिए हैं और यहाँ पर चुफली भी छोड़ दिया है, यानी कि जो चुई होती है सबसे ऊंची चोटी। तो अब इसको खोल देते हैं और लाते हैं दूसरा। तो अभी मैं लहा गया हूँ दूसरा नमूना और इसके दूसरी बार अभी बाल काटने हैं, तो देखते हैं ये ठीक से काट नहीं देता है या फिर उछल कूद मचाता है। तो यह है छोटी सी भीड़। तो इस छोटी सी भेड़ के भी बाल काट लिए हैं, यानी कि इसको भी टकला बना दिया है, तो अब इसको भी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अभी दिन के 12 बजने वाले हैं और अचानक से बारिश आ गई, क्योंकि अभी तक मैंने आपको दिखाया कि बहुत खतरनाक धूप लगी हुई थी
और देखिए बारिश रिमझिम रिमझिम आ रही है, तो कुछ ऐसा मौसम भी हो गया है। तो देवभूमि में ऐसा ही होता है, मौसम का कुछ पता नहीं होता, और खासकर बरसात के टाइम पर। दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, हमारी YouTube फैमिली पूरे 2000 सदस्य की हो गई है, यानी कि 2K हो गए हैं पूरे सब्सक्राइबर। तो जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और आपके लिए मैं जल्दी एक मस्त वाले ब्लॉग लाने वाला हूँ, यानी कि बाहर का, जहाँ आप तक आपने देखा भी नहीं होगा, तो आप चैनल के साथ बने रहेगा। और अभी दोस्तों टाइम होने वाला है, 12 बजने वाले हैं, तो मैं जा रहा हूँ अभी ड्यूटी पर, और बारिश भी बंद हो गए, तो चलते हैं। चलो, तो अभी बारिश फिर से आना शुरू हो गई है, और मैं आ गया अभी ग्वाला। तो गाय और भेड़ बकरियाँ चले गए रोड से ऊपर। तो यहाँ रोड के सामने देखो दोस्तों, कितना अच्छा गिंगारो यहाँ पर हो रखा है, एकदम लाल पूरा पक गया है। तो अभी शाम के 4 बज गए हैं, और बकरियाँ भी हैं एकदम घनघोर वाले जंगल में, जहाँ बांस ब्रांस और चीड़ के बहुत सारे पेड़ हैं। तो अभी यहाँ एकदम मस्त तरीके से चरते हुई, और यहाँ मैं आपको आगे सीन दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ बहुत अच्छी घास हो रखी है। तो दोस्तों अभी अभी अचानक मेरे साथ एक कांड हो गया, या मेरा हाथ कट गया है कुल्हाड़ी से, पता नहीं कैसे कट गया। मैं बैठ रहा था नीचे, अचानक कुल्हाड़ी हाथ के नीचे आई, और देखिए कितना सारा खून अभी बह रहा है। तो कुछ ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कभी कभी। बड़ी मुश्किल से खून बंद हो गई है, लेकिन दर्द होना स्टार्ट हो गया है, और अचानक पता नहीं कैसे कट गया हो। मैं नीचे बैठ ही रहा था, और हाथ के नीचे कुल्हाड़ी आ गए पता नहीं कैसे, और एक सामने तो बहुत गहरा कट गया है पूरा। तो अब चलते हैं घर, और उसके बाद सीधे डॉक्टर के पास चलते हैं, क्योंकि इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है, लोहे से कटा हुआ है और दर्द भी खतरनाक हो रहा है, तो दवाई तो लेनी पड़ेगी। तो अभी चलते हैं। तो दोस्तों अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, और अभी मैं अपने हाथ पर पट्टी करा के आ गया हूँ डॉक्टर साहब से, इंजेक्शन लगा कर और दवाई ववाई लेकर। तो दोस्तों जब डॉक्टर साहब ने चेक किया, तो उन्होंने बताया कि ये नस पर कट गया, तभी जाके खून बंद नहीं हुई, और बहुत सारे खून आए थे दोस्तों। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।